तो रेड बुल फ्यूचर आयो के नाम का एक वीडियो कंपटीशन आ रहा है जिसमें मुझे एक वीडियो बनानी है 60 सेकंड्स की, जिसमें मुझे बताना है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी किस तरह इंसान को बेहतर कर सकती है, टेक्नोलॉजी की गुड साइड क्या होगी इन द फ्यूचर। तो नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट लेवल आइडिया सोचना तो बनता ही है। तो हमारे जो टॉन साहब हैं, इन्होंने सोचा कि भले मेरा अगला पूरा दिन काम हो, मैं अगला पूरा दिन बिजी हूँ, लेकिन हम यंग एनर्जेटिक क्रिएटिव पैशनेट लोगों की तरह पूरी रात जाग के इस कंपटीशन का आइडिया सोचेंगे और इस आइडिया सोचने के प्रोसेस पे वीडियो भी बना लेंगे। क्या हाल है ब्रो? तो कल पूरा दिन मैं बहुत बिजी हूँ बिकॉज कल रात को मेरे एक दोस्त का निकाह है और बेसिकली कल पूरा दिन मेरा बड़ा टायरिंग दिन गुजरने वाला है। लेकिन अगर आदमी पैशनेट हो और ड्रिवन हो, एनर्जेटिक हो, तो नींद का कुछ काम नहीं है फिर इस कहानी में। मैं आपको बता दूं, स्लीप इज फॉर द वीक। तो हमने आइडिया सोचना है रेड बुल फ्यूचर आयो जो कंपटीशन है रेड बुल का, उसके लिए अबाउट अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फ्यूचर जो इंसान की बेहतरी के लिए हो, भलाई के लिए हो, ना कि इंसान को तबाह कर दे। उसके बारे में हमने कुछ सोचना है, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इंसान को बेहतर कर दे, बेहतर, गुड साइड ऑफ टेक्नोलॉजी, इंसान की बेहतरी। अगले दो घंटे में हमारे टॉन साहब चौथे गियर में आ चुके थे। कॉफी चढ़ाओ, मेहनत करो, आइडिया सोचो, आज आइडिया सोच के रहना है। मैंने आइडिया सोच के रहना है आज, यही है, यही जिंदगी है। जिंदगी से, जमाने से, अपने आप से लड़ना पड़ता है। अगर आपने सक्सेसफुल बनना है तो लड़ना पड़ेगा। यही उम्र है बाय द वे, जिस तरह माँ बाप कहते थे हमारे, यही उम्र है मेहनत करने की। मेहनत कर लो, जगा लो अपने आप को, चढ़ा दो कॉफी। एक ऐसी डिवाइस जो आप पे चीखती रहे कि काम करो काम करो काम करो काम करो, जब आप शायद डीमोटिवेट हो रहे हो तब, मे बी। उसके अगले एक घंटे में तो टॉन साहब मतलब फुल सीरियस, फुल सीरियस। अभी नहीं सो सकता नवीद, तू अभी नहीं सो सकता, अभी मैं नहीं सोने दे रहा अपने आपको, अभी फिक्र ना करें, बहुत टाइम है अभी सोने में। अभी तू नहीं सो सकता, अभी तू नहीं सो सकता, अभी हम नहीं सो सकते। कोई ऐसा आर्म बैंड हो जो अगर आप पहन लो तो आपको नींद ना आए, शायद उस वक्त आपको नींद ना आए। फिर हमारे टॉन साहब की जिंदगी में आया वो ग्लोरियस मोमेंट, जिस मोमेंट का उनको बचपन से इंतजार था, जब उनको रियलाइज हुआ कि कुदरत और यूनिवर्स का निज़ाम क्या है। कभी कभी इस तरह कुछ होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हो, कुछ आइडिया जिस तरह मैं अभी सोच रहा था, और आपको कुछ और ख्याल आ जाता है एकदम से। तो अभी ऐसी कुछ हुआ है कि मतलब जागना शागना सब वैसे एक तरफ, लेकिन एक आर्टिस्ट ही समझता है कि यार एक होता है, एक कुदरत का निज़ाम है, एक है कुदरत का निज़ाम। मतलब पौधे उगेंगे, बादल बरसेंगे, इंसान सोएगा, इंसान सोएगा, ये कुदरत है, यूनिवर्स। दिस इज ऑल्सो द टाइम वेन ही टुक अ प्लेज अगेंस्ट अनहेल्दी हैबिट्स, कॉफी, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। मतलब जिस वाइल्ड एडवेंचरस क्रेजी पर्सनैलिटी के एक टाइम पे ये दीवाने थे, इन्होंने उसके ही खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया। हमारे माँ बाप, अगर आप सोचें, ऑनेस्टली सोचें, तो बचपन से बोलते आ रहे हैं कि बेटा रात में आराम करो, दोपहर में काम करो। रात की नींद जो होती है वो उसका मुकाबला नहीं होता, बेसिकली बचपन से बोलते जा रहे हैं। इंसान अकलमंद तभी होता है जब वो वर्ड्स ऑफ विजडम को मानता है। कोई ऐसी अगर डिवाइस हो ना, जो इंसान, कोई ऐसा आर्म बैंड हो जो इंसान अगर पहन ले तो रात को फौरन उसको नींद आ जाए, ऐसी कुछ हो सकती है। हम इंसानों को जो चीज़ इंसान बनाती है ना, वो चीज़ें हैं जो हमें करने से मिलती है खुशी। और अगर हम खुश नहीं होंगे तो हमें आइडियाज़ नहीं आ सकते, दिमाग में नेगेटिविटी आएगी तो अच्छा काम, पॉजिटिव काम तो नहीं हो सकता। यूनिवर्स, जिंदगी का गेम, सब समझ नहीं सकते। टॉन साहब के बारे में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि वो अपने मैसेज में बिलीव करते हैं। मतलब ऐसा मैसेज जो एक दिन शायद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर कर सकता है। अल्लाह आपको जन्नत दे टॉन साहब, आपको और आपकी पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ को। आप लोग भी सो जाओ यार, मतलब सुबह के 7 बजे, 7 तक लिया।